8 घंटे हुए हैं और आई एम ऑलमोस्ट होम. कुछ 570 किलोमीटर 8 घंटे में हुए हैं आज. तो ऑलमोस्ट सुबह के 5:30 हो गए और बॉम्बे के लिए निकलने का टाइम हो गया है. 570 किलोमीटर्स है, मैप के हिसाब से 10 घंटे लगेंगे, मेरे हिसाब से 9 घंटे लगेंगे. तो शुरू करते हैं, ट्राई करते हैं पहुंचने का 2:30 बजे तक. एमपी के सीएम का स्टेटमेंट आया कि नाइट कर्फ्यू कभी भी लग सकता है अब 1-2 दिन में. तो अच्छा हुआ आज नाइट कर्फ्यू नहीं है, वरना इस टाइम भी निकलने में प्रॉब्लम होती. और 5:30 हो रहे हैं, सिटी सो रही है ऐसा लग रहा है अभी तो पूरी. अब 4 लेन चालू होती है और यहाँ से बॉम्बे तक पूरा 4 लेन रोड मिलेगा. बजे और अब धीरे धीरे उजाला होना चालू होएगा. ये ट्रांजिशन वाला फेज बहुत ब्यूटीफुल लगता है. अगले आधे घंटे बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है. ज़्यादा सनराइज देखने को नहीं मिलता है आजकल, लेकिन आज मज़ेदार होने वाला है. नंबर 2 आ गया और 6:30 हुआ है. 1 घंटे में दूसरा टोल है, नॉट सो बैड. फास्टैग पर ये जो बैरियर रहते हैं बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं. मुझे लगा उसका ग्रीन हो गया और रेड ही था और एकदम से आया वो जुप, कांच फूटते फूटते बचा. सनराइज हो गया, इसका मतलब है कि चाय का टाइम भी हो गया, कहीं पे रुकना पड़ेगा. सा चाय ब्रेक ख़त्म हुआ है. अब यहाँ से दूल्हे 150 किलोमीटर है. ऐसा लगता है अगला स्टॉप दूल्हे के आसपास ही होएगा. शायद एक और चाय पीनी पड़े दूल्हे में. अभी तो आई एम ऑल गुड. सुबह के 7 बज गए हैं, सूरज उग गया है और चलो जर्नी कवर करते हैं.
महाराष्ट्र चालू हो गया है, इंदौर पीछे रह गया। और महाराष्ट्र में चेकिंग का स्टेटस ये है कि कोई टेस्टिंग चेकिंग नहीं है अभी, कोविड से रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड। तो धुले 80 किलोमीटर्स है यहाँ से। धुले 40 किलोमीटर्स मोर, अब थोड़ा बोरिंग हो रहा है। और धूले आ गया है। धूले में पुलिस की चेकिंग बहुत है मास्क को लेके, इवन कार में भी चेक कर रहे हैं कि अगर देयर मोर देन वन पीपल तो मास्क पहना है नहीं पहना। तो अब यहाँ से नासिक है 150 किलोमीटर्स और नासिक से बॉम्बे 150 किलोमीटर्स, ढाई ढाई घंटे। और आ गया है 11:15 बजे और यहाँ जगह जगह पुलिस की चेकिंग है। मुझे लग रहा है मास्क वैसे ही है तो मैं लगा ही लेता हूँ, क्या करें, मजबूरी है। लास्ट टोल आ गया है, लास्ट टोल हाईवे का, इसके बाद एक मुलुंड में और टोल होगा, वो लास्ट होगा। पौने एक हो रहा है और भिवंडी आ गया है। इंदौर से भिवंडी लगे हैं 7.5 घंटे, यहाँ से आधा घंटा और लगेगा घर के लिए। आज संडे था इसलिए काफ़ी कम ट्रैफिक था धुले में, नासिक में और बॉम्बे में। तो ये बेस्ट टाइम है अगर बॉम्बे एंटर करना है तो, संडे मॉर्निंग। इवनिंग में भी ट्रैफिक रहता है और वीकडेज पे तो रहता ही है। घंटे लगे इंदौर से बॉम्बे पहुंचने में, ट्रैफिक कम था संडे के कारण। तो अब पूनम को सरप्राइज देते हैं, शी इज़ एक्सपेक्टिंग मी एट 3:00। तो हम जल्दी पहुंच के उसको सरप्राइज करते हैं थोड़ा। हेलो, आ गया, भूख लगी ना इसलिए आ गया।